हजरत अकबर प्रेमचंद। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और कर्ज ज्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेटे बनकर रहने की जिल्लत इस कर्ज को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हर दम उसके गले का हार बना रहता। इस वजह से दाया और भी जरूरी मालूम होती थी, मगर शायद सबसे बड़ा सबब ये था कि वो मुरव्वत के बाइस दाया को जवाब देने की जुरत न कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी, उसने उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी, अपना काम दिलोजान से करती थी, उसे निकालने का कोई हीला न था और ख्वा मख्वा खच्चर निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। मगर शाकिरा इस मामले में अपने शौहर से मुत्तफिक न थी। उसे शक था कि दाया हमको लूटे लेती है। जब दाया बाजार से लौटती तो वह दहलीज में छुपी रहती कि देखूं आटा छुपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। उसकी लाई हुई चीज को घंटों देखती, पछताती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया। दाया कभी तो उन बदगुमानियों का जवाब मुलायमत से देती, लेकिन जब बेगम ज्यादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती थी, कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, तर्दीद और हुज्जत में घंटों लग जाते। करीब करीब रोजाना यही कैफियत रहती थी और रोज ये ड्रामा दाया की कफीफ सी अश्क रेजी के बाद खत्म हो जाता था। दाया का इतनी सख्तियां झेल कर पड़े रहना शाकिरा के शुकूक की आब रेजी करता था। उसे कभी यकीन न आता था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है। वो दाया को ऐसे लतीफ जज्बे का अहल नहीं समझती थी। इत्तिफाक से एक रोज दाया को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। वहां 2 कुंजड़िनों में बड़े जोशोखरोश से मुनाजिरा था। उनका मुसव्विर तर्ज़-ए-अदा, उनका इश्तियाल अंगेज इस्तिदलाल, उनकी मुतशक्किल तज़हीक, उनकी रोशन शहादते और मुनव्वर रिवायते, उनकी तरीज और तर्दीद सब बेमिसाल थी। जहर के 2 दरिया थे या 2 शोले जो दोनों तरफ से उमड़ कर बाहम गुत गए थे। क्या रवानी थी, गोया कूजे में दरिया भरा हुआ। उनका जोशे इजहार एक दूसरे के बयानात को सुनने की इजाजत न देता था। उनके अल्फाज की ऐसी रंगीनी, तकय्युल की ऐसी नौयत, उसलूब की ऐसी जिद्दत, मजामीन की ऐसी आमद, तशबीहात की ऐसी मौजूनियत और फिक्र की ऐसी परवाज पर ऐसा कौन सा शायर है जो रश्क न करता। सिफत ये थी कि इस मुबाहिसे में तलखी या दिल आजारी का शायबा भी न था। दोनों बुलबुले अपने अपने तरानों में महव थी। उनकी मतानत, उनका जब्तक, उनका इत्मिनान लब हैरत अंगेज था। उनके जरफ दिल में इससे कहीं ज्यादा कहने की और बदरजहा ज्यादा सुनने की गुंजाइश मालूम होती थी। अलर्ज ये कालिज दिमागी जहनी मुनाजिरा था। अपने अपने कमालात के इजहार के लिए एक कालिज जोर आजमाई थी, अपने अपने करतब और फन के जौहर दिखाने के लिए तमाशाइयों का हुजूम था। वो मुक्ताजिल किनाया तो इशारे जिन पर बेशर्मी को शर्म आती, वो कलिमात रकीक जिनसे अफूनत भी दूर भागती, हजारों रंगीन मिजाजों के लिए महज बाइसेट फरीह थे। दाया भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिल आवेज था कि उसे वक्त का मुतलक एहसास न हुआ। यकायक 9 बजने की आवाज कान में आई तो सहर टूटा। वो लपकी हुई घर की तरफ चली। शाकिरा भरी बैठी थी। दाया को देखते ही तेवर बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी। दाया ने कतावाराना अंदाज से सर झुका लिया।
और बोली, बीवी एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। शाकिरा जवाब से और भी बरहम हुई, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है, तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। मगर दाया ने इस वक्त दबने में कैरियत समझी, बच्चे को गोद में लेने चली पर शाकिरा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाया ने इस हुक्म की तामीर जरूरी न समझी। बेगम साहिबा का गुस्सा फिरो करने की इससे ज्यादा कारगर कोई तदबीर जहन में न आई। उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया, वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ चला। दाया ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन शाकिरा बाज की तरह झपटी और नसीर को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारा ये मकर बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये तमाशे किसी और को दिखाइए। यहाँ तबीयत सैर हो गई। दाया नसीर पर जान देती और समझती थी कि शाकिरा उससे बेखबर नहीं है। उसकी समझ में शाकिरा और उसके दरमियान ये ऐसा मजबूत ताल्लुक था जिसे मामूली तुर्शिया कमजोर न कर सकती थी। इसी वजह से बावजूद शाकिरा की सख्त जबानियों के उसे यकीन न आता था कि वो वाकई मुझे निकालने पर आमादा है। पर शाकिरा ने ये बातें कुछ इस बेरुखी से की और बिलखुसूस नसीर को इस बेदर्दी से छीन लिया कि दाया से जब्त न हो सका। बोली, बीवी मुझसे कोई ऐसी बड़ी कता तो नहीं हुई, बहुत होगा तो पाव घंटे की देर हुई होगी, इस पर आप इतना झल्ला रही हैं, साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देखो, अल्लाह ने पैदा किया है तो रिज्क भी देगा, मजदूरी का काल थोड़ा ही है। शाकिरा, तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है, तुम्हारी जैसी मामाएं गली गली ठोकरे खाती फिरती हैं। दाया, हाँ खुदा आपको सलामत रखे, मामाएं दाइयां बहुत मिलेंगी, जो कुछ कता हुई हो माफ कीजिएगा, मैं जाती हूँ। शाकिरा, जाकर मर्दाने में अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो। दाया, मेरी तरफ से नसीर मियाँ को उसकी मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर से आ गए, पूछा, क्या है? दाया, कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूँ। साबिर हुसैन कांगी तरद्दुदात से यूं बचते थे जैसे कोई बरहनापा कांटों से बचे। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की जरूरत न थी। ची बजबी होकर बोले, बात क्या हुई? शाकिरा, कुछ नहीं, अपनी तबीयत, नहीं जी चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। साबिर, तुम्हें बैठे बिठाए एक न एक खिचड़ी सूझती रहती है। शाकिरा, हाँ मुझे तो इस बात का जुनून है, क्या करूँ, कसलत ही ऐसी है, तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले बांधो, मेरे यहाँ जरूरत नहीं है। दाया घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थी, दिल नसीर के लिए तड़प रहा था कि एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूं, पर ये हसरत लिए उसे घर से निकलना पड़ा। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो मचल कर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकिरा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया, उससे काम न चला तो बंदर और सिपाही और लोलो और हवा की धमकी दी, पर नसीर पर मुतलक असर न हुआ। यहाँ तक कि शाकिरा को गुस्सा आ गया, उसने बच्चे को वही छोड़ दिया और घर आकर घर के धंधों में मसरूफ हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गई, आखिर वो वही जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। शाकिरा ने समझा था थोड़ी देर में बच्चा रोधो कर चुप हो जाएगा,
पर नसीर ने जागते ही फिर अन्ना की रट लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए और बच्चे की ये हालत देखी तो बीवी की तरफ कहर की निगाहों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाया मिठाई लेने गई है तो उसे तस्कीन हुई, मगर शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया, अन्ना मिठाई लाई। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न था। वो बेजरर कुत्ता जो एक लम्हे के लिए उसकी गोद से जुदा न होता था, वो बेजबान बिल्ली जिसे ताक पर बैठे देखकर वो खुशी से फूले न समाता था, वो तायरे बेपरवाज जिस पर वो जान देता था, सब उसकी नजरों से गिर गए। वो उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखता। अन्ना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपकथपक कर सुलाने वाली, गागा कर खुश करने वाली चीज की जगह उन बेजान बेजुबान चीजों से पुर न हो सकती थी। वो अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार कर रोने लगता। कभी दरवाजे पर जाता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, गोया उसे बुला रहा है। अन्ना की काली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता। उसे उम्मीद होती थी कि अन्ना यहाँ आती होगी। उस कोठरी का दरवाजा बंद पाता तो जाकर किवाड़ खटखटाता कि शायद अन्ना अंदर छुपी बैठी हो। सदर दरवाजा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका गदराया हुआ बदन घुल गया, गुलाब के से रुखसार सूख गए। माँ और बाप दोनों उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह जाते। अगर बहुत गुदगुदाने और छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा मालूम होता दिल से नहीं, महज दिल रखने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से रगबत थी न मिश्री से, न मेवे से, न मीठे बिस्कुट से, न ताजी इमरतियों से। उनमें मजा था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी, अब उनमें मजा न था। 2 साल का होनहार लहलहाता हुआ शादा पौधा मुरझा कर रह गया। वो लड़का जिसे गोद में उठाते ही नरमी गर्मी और जबान का एहसास होता था, अब इस्तिकवा एक पुतला रह गया था। शाकिरा बच्चे की ये हालत देख देख कर अंदर ही अंदर कुड़ती और अपनी हिमाकत पर पछताती। साबिर हुसैन जो फितरतन कलवत पसंद आदमी थे, अब नसीर को गोद से जुदा न करते थे। उसे रोज हवा खिलाने जाते, नितने खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह न पनपता था। दाया उसकी दुनिया का आफताब थी। उस कुदरती हरारत और रोशनी से महरूम होकर सब्जी की बहार क्यों कर दिखाता? दाया के बगैर चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा नजर आता। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी, पर नसीर उसकी सूरत देखते ही मुंह छुपा लेता था, गोया वो कोई देवनी या भूतनी है। आलमे वजूद में दाया को न देखकर नसीर अब ज्यादातर आलमे क्याल में रहता। वहां उसकी अपनी अन्ना चलती फिरती नजर आती थी। उसकी वही गोद थी, वही मोहब्बत, वही प्यारी बातें, वही प्यारे प्यारे गीत, वही मजेदार मिठाइयां, वही सुहाना संसार, वही दिलकश लैलोनहार। अकेले बैठे अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भौंके, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ता। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाया की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी पी, दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढांक देता और कहता, अन्ना सोती। शाकिरा खाने बैठती तो रिकाबिया उठा उठा अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी जिसकी वापसी की उसे मुतलक उम्मीद न थी। वो महज गुज़श्ता खुशियों की दिलकश यादगार थी।
जिसकी याद ही उसका सब कुछ थी। नसीर के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तिफलाना शोखी और बेताबी की जगह एक हसरतनाक तवक्कल, एक मायूसाना खुशी नजर आने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके, बुखार और जुकाम का जोर था। नसीर की नहाफत इन मौसमी तकय्युरात को बर्दाश्त न कर सकी। शाकिरा एहतियातन उसे फ्लालैन का कुर्ता पहनाए रखती, उसे पानी के करीब न जाने देती, नंगे पाव एक कदम न चलने देती, मगर रुतूबत का असर हो ही गया। नसीर खांसी में मुब्तिला हो गया। सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा होता। डॉक्टरों का इलाज बेसुध रहा था। शाकिरा चारपाई पर बैठी उसके सीने पर तेल की मालिश कर रही थी और साबिर हुसैन सूरतेम बने हुए बच्चे को पुरदर्द निगाहों से देख रहे थे। इस तरफ वो शाकिरा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें उससे एक नफरत सी होती थी। वो नसीर की इस बीमारी का सारा इल्जाम उसी के सर रखते थे। वो उनकी निगाहों में निहायत कमजोर सुफला मिजाज बेहिस औरत थी। शाकिरा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से फायदा हो। साबिर हुसैन ने काली घटाओं की तरफ देखकर तुर्शी से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए तो इसे कोई फायदा न हो। शकीरा, तो क्या अब किसी की दवा ही न होगी? साबिर, बस उसकी एक ही दवा है और वो नायाब है। शाकिरा, तुम्हें तो वही धुन सवार है, क्या अब्बासी अमृत पिला देगी? साबिर, हाँ वो तुम्हारे लिए तो चाहे जहर हो लेकिन बच्चे के लिए अमृत ही होगी। शाकिरा, मैं नहीं समझती कि अल्लाह की मर्जी में उसे इतना दखल है। साबिर, अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। शाकिरा, चुप भी रहो, कैसा शगुन जबान से निकालते हो, अगर ऐसी जलेकती सुनानी है तो यहाँ से चले जाओ। साबिर, हाँ तो मैं जाता हूँ, मगर याद रखो ये खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अगर लड़के को फिर तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी अब्बासी के पास जाओ, उसकी मिन्नत करो, इल्तिजा करो, तुम्हारे बच्चे की जान उसी के रहम पर मुनसिर है। शाकिरा ने कुछ जवाब न दिया, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। साबिर हुसैन ने पूछा, क्या मर्जी है? जाऊं उसे तलाश करूं? शाकिरा, तुम क्यों जाओगे? मैं खुद चली जाऊंगी। साबिर, नहीं, माफ करो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतिबार नहीं है। न जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए कि वो आती भी हो तो न आए। शाकिरा ने शौहर की तरफ निगाह लामत से देखकर कहा, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का क्लक थोड़े ही है। मैंने शर्म के मारे तुमसे कहा नहीं, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है, अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज हो लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी, उसके कदमों को आंसुओं से तर कर दूंगी और वो जिस तरह राजी होगी उसे राजी करूंगी। शाकिरा ने बहुत जब्त करके ये बातें कही, मगर उमड़े हुए आंसू अब न रुक सके। साबिर हुसैन ने बीवी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा और नादिम होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। अब्बासी दुनिया में अकेली थी, किसी जमाने में उसका कांदान गुलाब का सर सब शादाब दरख्त था, मगर रफ्ता रफ्ता किजा ने सब पत्तियां गिरा दी, बादहवादिस ने दरख्त को पामाल कर दिया और अब यही सूखी टहनी हरे भरे दरख्त की यादगार बाकी थी। मगर नसीर को पाकर उसकी सूखी टहनी में जान सी पड़ गई थी, उसमें हरी पत्तियां निकल आई थी।
वो जिंदगी जो अब तक खुश्क और पामाल थी उसमें फिर रंगोबू के आसार पैदा हो गए थे। अंधेरे बयाबान में भटके हुए मुसाफिर को शम्मा की झलक नजर आने लगी थी। अब उसका जुए हयात संग रेजों से न टकराता था, वो अब एक गुलजार की आबियारी करता था। अब उसकी जिंदगी मोहमल नहीं थी, उसमें महनी पैदा हो गए थे। अब्बासी नसीर की भोली बातों पर निसार हो गई, मगर वो अपनी मोहब्बत को शाकिरा से छुपाती थी, इसलिए कि माँ के दिल में रश्क ना हो। वो नसीर के लिए माँ से छुपकर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर खुश होती। वो दिन में दो दो तीन तीन बार उसे उबटन मलती कि बच्चा खूब परवान चढ़े। वो उसे दूसरों के सामने कोई चीज न खिलाती कि बच्चे को नजर न लग जाए। हमेशा दूसरों से बच्चे की कमकोरी का रोना रोया करती। उसे नजर बद से बचाने के लिए तावीज और गंडे लाती रहती। ये उसकी कालिस मादराना मोहब्बत थी, जिसमें अपने रूहानी एहतिजाज के सिवा और कोई कर्ज न थी। उस घर से निकलकर आज अब्बासी की वो हालत हो गई जो थिएटर में यकायक बिजलियों के गुल हो जाने से होती है। उसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर फाड़े खाता था, उस काल कोठरी में दम घुटा जाता था। रात जू तू करके कटी, सुबह को वो मकान में झाड़ू दे रही थी। यकायक ताजे हलवे की सदा सुनकर बेख्तियार बाहर निकल आई। मान याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर कौन चगेगा। वो नकमायम सरत सुनने के लिए जो हलवा खाते वक्त नसीर की आंखों से, होंठों से और जिस्म के एक एक अजू से बरसता था। अब्बासी की रूह तड़प उठी, वो बेकरारी के आलम में घर से निकली कि चलू नसीर को देख आऊं, पर आधे रास्ता से लौट गई। नसीर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हा के लिए भी नहीं उतरता था। वो सोते सोते चौंक पड़ती, मालूम होता नसीर डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसनों के पास जाती तो नसीर ही का चर्चा करती, उसके घर कोई आता तो नसीर ही का जिक्र करती। नसीर उसके दिल और जान में बसा हुआ था। शाकिरा की बेरुखी और बदसुलूकी के मलाल के लिए उसमें जगह न थी। वो रोज इरादा करती कि आज नसीर को देखने जाऊंगी, उसके लिए बाजार से खिलौने और मिठाइयां लाती, घर से चलती लेकिन कभी आधे रास्ते से लौट आती, कभी दो चार कदम से आगे न बढ़ा जाता। कौन मुंह लेकर जाऊं, जो मोहब्बत को फरेब समझता हो उसे कौन मुंह दिखाऊं। कभी सोची कहीं नसीर मुझे न पहचाने तो बच्चों की मोहब्बत का एतबार नई दाया से परिच गया हो। ये ख्याल उसके पैरों पर जंजीर का काम कर जाता था। इस तरह दो हफ्ते गुजर गए। अब्बासी का दिल हर दम उचाट रहता, जैसे उसे कोई लंबा सफर दरपेश हो। घर की चीजें जहां की तहां पड़ी रहती, न खाने की फिक्र न कपड़े की, बदनी जरूरियात भी कला दिल को पुर करने में लगी हुई थी। अब्बासी की हालत उस वक्त पालतू चिड़िया की सी थी जो कफस से निकलकर फिर किसी गोशे की तलाश में हो। उसे अपने तई भुला देने का ये एक बहाना मिल गया, आमादा सफर हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और हल्की हल्की फुवारे पड़ रही थी। दिल्ली स्टेशन पर जायरीन का हुजूम था, कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक कोहराम सा मचा हुआ था। दुनिया उस वक्त भी जाने वालों के दामन पकड़े हुए थी, कोई बीवी से ताकीद कर रहा था, धान कट जाए तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूं, कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था,
असामियों पर बकाया लगान की नालिश करने में देर न करना और 2 रुपए सैकड़ा सूद जरूर मुजरा कर लेना। एक बूढ़े ताजिर साहब अपने मुनीम से कह रहे थे, माल आने में देर हो तो खुद चले जाइएगा और चलतू माल लीजिएगा, वरना रुपया फंस जाएगा। मगर काल काल ऐसी सूरतें भी नजर आती थी जिन पर मजहबी इरादात का जलवा था। वो या तो खामोशी से आसमान की तरफ ताकती थी या महवे तस्बीह खवानी थी। अब्बासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी दुनिया की फिक्र नहीं छोड़ती। वही खरीदो फरोख्त लेन देन के चर्चे नसीर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से किसी तरह न उतरता। लौट कर जरूर उसे देखने जाऊंगी, या अल्लाह किसी तरह गाड़ी चले। गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है, इतनी घटा उमड़ी हुई है, बरसने का नाम ही नहीं लेती। मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं, झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। ये नहीं कि चटपट गाड़ी खोल दे, मुसाफिरों की जान में जान आए। यकायक उसने साबिर हुसैन को बाइसिकल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े तर थे। वो गाड़ियों में झांकने लगे, अब्बासी महज ये दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई। साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए और बोले, क्यों अब्बासी तुम भी हज को चली? अब्बासी ने फकरिया इंतिसार से कहा, हाँ यहाँ क्या करूँ, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। खुदा के यहाँ मुंह दिखाने के लिए भी तो कोई सामान चाहिए। नसीर मियाँ तो अच्छी तरह है, साबिर अब तो तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछ कर क्या करोगी, उसके लिए दुआ करती रहना। अब्बासी का सीना उखड़कने लगा, घबरा कर बोली, क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है साबिर? उसकी तबीयत तो उसी दिन से खराब है जिस दिन तुम वहाँ से निकली। कोई 2 हफ्ता तक तो शबोरोज अन्ना अन्ना की रट लगाता रहा और अब 1 हफ्ता से खांसी और बुखार में मुब्तिला है। सारी दवाएं करके हार गया, कोई नफा ही नहीं होता। मैंने इरादा किया था चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले चलूं, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत कुछ संभल जाए, लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूं, तुम्हारे साथ सुलूक ही कौन सा अच्छा किया था कि इतनी जुर्रत कर सकूं, और फिर कारे स्वाब में रखना डालने का भी ख्याल है। जाओ, उसका खुदा हाफिज है, हयात बाकी है तो सेहत हो ही जाएगी, वरना मशीयत एजदी से क्या चारा। अब्बासी की आंखों में अंधेरा छा गया, सामने चीजें तैरती हुई मालूम हुई, दिल पर एक अजीब वहशत का खिलबा हुआ। दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरी जान के सदके मेरे नसीर का बाल बीका न हो, रिक्कत से गला भर आया। मैं कैसी संगदिल हूँ, प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और उसे देखने तक न गई। शाकिरा बदमिजाज सही, बदजबान सही, नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने माँ का बदला नसीर से लिया, या खुदा मेरा गुनाह बख्शियो। प्यारा नसीर मेरे लिए हुड़क रहा है, इस ख्याल से अब्बासी का कलेजा महसूस उठा और आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतनी मोहब्बत है, वरना शाकिरा की जूतियां खाती और घर से कदम न निकालती। आह, न मालूम बेचारे की क्या हालत है, अंदाजे वहश में बोली, दूध तो पीते हैं ना साबिर? तुम दूध पीने को कहती हो, उसने 2 दिन से आंख तो खोली नहीं अब्बासी, या मेरे अल्लाह। अरे ओ कुली कुली, बेटा आके मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे,
अब मुझे हजवज की नहीं सूझती। हाँ बेटा, जल्दी कर। मियाँ देखिए, कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए। यक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर कई बग्घियाँ खड़ी थी। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब्बासी बार बार झुंझलाती थी और यक्काबान से कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता था। उसका जी चाहता था घोड़े के पर लग जाते, लेकिन जब साबिर हुसैन का मकान करीब आ गया तो अब्बासी का सीना जोर से उछलने लगा। बार बार दिल से दुआ निकलने लगी, खुदा करे सब खैरोआफियत हो। यक्का साबिर हुसैन की गली में दाखिल हुआ। दफन अब्बासी के रोने की आवाज आई। उसका कलेजा मुंह को आ गया, सर तेवरा गया। मालूम हुआ दरिया में डूबी जाती हूं। जी चाहा यक्का से कूद पड़ूं, मगर जरा देर में मालूम हुआ कि औरत मैके से विदा हो रही है। तस्कीन हुई। आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा। अब्बासी ने डरते डरे दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ यतीम लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए, और दरवाजे की तरफ सहमी हुई निगाह से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा था। अब्बासी को जरा ढारस हुई। घर में दाखिल हुई तो देखा कि नई दाया बैठी पोल्टीस पका रही है। कलेजा मजबूत हुआ। शाकिरा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मा की दोपहरी धूप की तरह कांप रहा था। शाकिरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ तकटकी लगाए ताक रही थी। गम और यास की जिंदा तस्वीर। अब्बासी ने शाकिरा से कुछ नहीं पूछा, नसीर को उसकी गोद से ले लिया और उसके मुंह की तरफ चश्मे पुरनम से देखकर कहा, बेटा नसीर आंखें खोलो। नसीर ने आंखें खोली। एक लम्हा तक दाया को कामोश देखता रहा। तब यकायक दाया के गले से लिपट गया और बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चराग में तेल जाए। ऐसा मालूम हुआ गोया वो कुछ बढ़ गया है। एक हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मार कर भगा दे। नसीर ने मुंह हना कर कहा, नहीं रोएगी। अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ न जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा। साबिर हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें इससे कहीं ज्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज्जे अकबर है।